हेलो क्वीर फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं निलय आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल वी आर क्वीर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर के आए हैं, एक नई स्टोरी। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी है वो भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी स्टोरीज मिस ना हो। आज की कहानी पेट्रोल पंप में काम करने वाले एक साधारण लड़के की है, जिसका नाम समीर है। ये कहानी समीर और उसकी फैमिली इश्यूज को लेकर के और जो प्रॉब्लम्स उसने झेली उस पर आधारित ये कहानी है। एक लव स्टोरी है कि प्यार आखिर हम जिनसे करते हैं वो हमें मिलता है कि नहीं, और क्या हमेशा पा लेना ही प्यार है। सब कुछ इस स्टोरी के जरिए हम आप तक कन्वे करेंगे। एक काफी अच्छा इसमें एक मोटिवेशनल एक थॉट है जो हमने रखा है, जो आप लोगों को काफी मोटिवेट करेगा। काफी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी शुरू से अंत तक देखें, अपने कमेंट्स नीचे जरूर पुट करें ताकि हम उसे रीड करके और भी अच्छा कर सकें। समीर अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है। समीर देखने में गोरा और छोटे कद का लड़का है, पर काफी क्यूट भी है, जिसको हमेशा से पता था कि वो बाकी लड़कों से अलग है, क्योंकि जब दोस्त लड़कियों के बारे में बातें किया करते तब समीर कोई ना कोई इधर उधर की बातें करके या तो टालने की कोशिश करता या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, क्योंकि समीर को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, जबकि बाकी दोस्त जो थे वो लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्टेड रहते थे, उन्हीं के बारे में बात किया करते थे। दोस्तों की अगर बात करें तो वो अक्सर बहाने ढूंढते लड़कियों के पीछे पड़ने का। समीर पढ़ाई में अच्छा नहीं था और 9th की पढ़ाई के वक्त पापा की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो जाने के बाद समीर बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि समीर के माँ की 3 साल पहले बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। काफी अकेलापन और काफी ज्यादा जिम्मेदारी। अब 2 छोटी बहनों की जिंदगी के साथ खुद की जिंदगी की स्ट्रगल भी अब चालू हो चुकी थी समीर की जिंदगी में। समीर को जब एहसास हुआ कि वो अब अनाथ हो चुका है, उसने ये एहसास अपनी बहनों को नहीं होने दिया। उसने खुद से वादा किया कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होने देगा, उन्हें खूब प्यार देगा। उस वक्त समीर खुद काफी कम उम्र का था, पर जिम्मेदारियां बढ़कर थी उसके लिए। उसने अपने माँ पापा के चले जाने के बाद अपनी जो आइडेंटिटी है, अपने गे होने वाली बात और अपनी फीलिंग्स को काफी हद तक कंट्रोल किया और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीना चाहा, अपनी दोनों बहनों के लिए। उस वक्त समीर अपने आप को भी समझा रहा था कि कैसे वो चीजें हैंडल करेगा, कैसे मजबूत रहना है। अब जीवन में सब कुछ कहीं न कहीं उसके साथ एक साथ हुआ था, पर समीर ने हार नहीं माना और पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुश्किल से 10th पास कर पाया और फिर बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए खूब ज्यादा मेहनत करने लगा। अच्छा था कि माँ पापा ने मिलजुल कर कुछ सेविंग्स रखी हुई थी बहनों के पढ़ाई और शादी के लिए, जिस वजह से समीर की चिंताएं थोड़ी कम थी। पर सबसे बड़ी मुश्किल था कि गार्जियन का जो किरदार है वो उसे निभाना था। पेट्रोल पंप में सुबह से शाम काम कर समीर ने अपनी बहनों की पढ़ाई और अच्छी जिंदगी के लिए सेविंग्स यूं ही करता रहा, वक्त गुजरता रहा। अब समीर परिपक्व हो रहा था, अपनी सोच को लेकर के, अपने आप को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही थी। और एक दिन अचानक समीर को पता चलता है कि छोटी सिस्टर का घर के पड़ोस के लड़के से अफेयर है, जिसका नाम अनूप है, और वो उसी से शादी करना चाहती है। और बड़ी बात तो इसलिए थी क्योंकि समीर भी अनूप को मन ही मन चाहता था, उसे पसंद करता था। पर अब बहन के जब प्यार की बात आई, उसने खुद को समझाया और अपने दिल को टूटा पा करके भी उसने अपने बहन की जिंदगी संवारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब समीर की अगर प्यार की बात करें तो वो एक तरफा था, पर अनूप का बड़ा भाई अनुपम, वो समीर से अक्सर आते जाते
उसके पेट्रोल पंप में जाकर मिलता रहता, बातें करता किसी न किसी बहाने से। अनुपम की बाहर अनुपम जो था वो अनूप का बड़ा भाई था। वो समीर को ज्यादा जानता नहीं था, पर अब जब छोटी सिस्टर की शादी की बात करनी थी समीर को, तो उसने सोचा कि किसी भी तरीके से अनूप के फैमिली वालों से जान पहचान बनाई जाए ताकि वो बातें रख सके शादी वाली। तो अनुपम ने एक दिन मौका देख करके अपना जो इंटरेस्ट है समीर के लिए वो दिखाया, क्योंकि समीर जब भी अनुपम आता उसे घूरता रहता। वो सोचता कि किसी बहाने से बात हो जाए तो बात बन जाएगी। समीर ने बात करना शुरू कर दिया था। अनुपम को लगा कि समीर भी अनुपम में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है और बात करना चाहता है, पसंद करता है, पर असल में ये लव ट्रायंगल के जैसा था। समीर अनुपम के भाई अनूप से प्यार करता आया था, पर अनूप स्ट्रेट था और वो समीर की छोटी बहन से प्यार करता था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। और अब समीर से अनूप के बड़े भाई अनुपम को प्यार हो गया था। बहुत ही पेचीदा सा ये लव स्टोरी हो रहा था कि आखिर कोई किसी को प्यार कर रहा है और जिससे जो प्यार कर रहा है वो किसी और को कर रहा है। समीर खुद को अनूप की फैमिली से कम समझता था, अपने स्टैंडर्ड्स को कम समझता था। दोनों बहनों को समीर के गे होने वाली बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, जिस वजह से समीर किसी को भी घर में अपने दिल की बात नहीं बता सकता था। समीर ने अपनी सिस्टर को काफी समझाने की कोशिश की, पर सिस्टर ने बताया कि अनूप भी उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ अनूप और अनुपम दोनों ही अपनी लाइफ में सेटल थे और दोनों अपने घर में अपनी माँ से ही हर एक चीज डिस्कस करके फैसले लेते थे, क्योंकि उनके भी पापा नहीं थे, सिर्फ अकेली माँ थी। इनकी जो फैमिली थी वो काफी खुले ख्यालों की थी, सब लोग काफी खुले ख्याल के थे और पैसे वाले थे और उनके अंदर कोई घमंड या कोई एटीट्यूड नहीं था। पर लोगों को लगता कि शायद अनुपम और अनूप जो दोनों भाई हैं, उनकी मदर हैं, वो काफी ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। डाउन टू अर्थ थे, पर लोगों को ये चीज पता नहीं थी। समीर भी शायद यही सोचता आया था। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बहन की शादी की बात कैसे शुरू करे, किससे बात करे, जबकि अनुपम की फैमिली समीर के हालात जानती थी। समीर ने अनुपम से बातें शुरू की थी और इंटरेस्ट दिखाने लगा था, वो भी ये सोच कर कि अनुपम से अपनी बहन और अनूप के बारे में कह पाए। पेट्रोल पंप में जब भी अनुपम आता, अनुपम बस बहाने ढूंढता कि कैसे भी करके बस समीर से बात हो जाए। यहाँ पर अनुपम की जो फीलिंग थी समीर के लिए वो काफी जेन्युइन थी। अब अनुपम हर रोज कोशिश करता कि कैसे पेट्रोल पंप वाले इस क्यूट से लड़के से बात कर पाऊं, पर समीर तो खुद ही चाहता था कि वो अनुपम से मिले, बातें करे। हाँ, उसका जो इंटेंशन था वो सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी बसाने का था। एक दिन शाम के 5 बजे समीर मार्केट से सब्जियां लेकर पैदल घर लौट रहा था। मार्केट से घर 4 किलोमीटर की दूरी पर थी और शायद आगे चल के समीर कोई ऑटो वगैरह ले लेता, पर इतने में अनुपम को समीर पैदल आता देखा। उसने अपनी कार रोकी और समीर को जिद करके अंदर बैठने के लिए कहा। अब समीर हंसते हुए, स्माइल करते हुए उसकी बात मानते हुए कार में बैठ गया। इस बीच अनुपम ने समीर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन किया और समीर ने भी ये कोशिश की कि उसके भाई के गरीब लड़की से शादी करने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अनुपम की फैमिली का क्या रवैया रहेगा, ये सब जानने की कोशिश की। रास्ते भर एजुकेशन से लेकर के एक दूसरे की अच्छाई बुराई भी दोनों ने समझने की कोशिश की। समीर के सवालों से अनुपम को लगा कि वो इंटरेस्टेड तो है। समीर ने अपनी सिस्टर से वादा किया था कि वो जल्द ही उसकी और अनूप की शादी की बात करेगा। और जब कार से घर ड्रॉप किया गया, समीर ने अनुपम से कहा कि मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ और वो मैं अच्छे समय पर बताना चाहता हूँ। अनुपम को लगा कि शायद समीर अपने गे होने वाली बात और मुझसे प्यार की बात एक्सेप्ट करने के लिए कुछ करना चाहता है या अपने अट्रैक्शन को लेकर के डिस्कस करना चाहता है, पर समीर ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, पर जल्द बात करेंगे इस बारे में, बहुत जरूरी है।
समीर ने यह भी कहा कि आपको ना जाने कब से देखता आया हूं, पर आज आपसे बात करके आपको और ज्यादा समझ पाया हूं। दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे और अनुपम समीर की प्यारी मासूमियत से भरी बातों को सुनकर उस पर मर मिटा था और अनुपम को लगा कि शायद अब प्यार की तलाश खत्म हो जाएगी, अब ये अकेली यहाँ वहां घूमने भटकने जैसा जीवन नहीं जीना पड़ेगा। LGBT कम्युनिटी में ज्यादातर लोग प्यार की तलाश में न जाने कितने बुरे अनुभवों से गुजरते हैं। यही अनुभव अनुपम अपने जीवन में नहीं चाहता था। उसने जीवन देखी थी कि आखिर होता क्या है गे लोगों के साथ में, उनके रिश्ते को लेकर के, सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है उसको लेकर के, हर सारी चीजों के बारे में अनुपम समझता था। अनुपम को लगा था कि शायद समीर के मिल जाने पर जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब वो समीर के ख्वाब भी देखने लगा था, एक दूसरे से मैसेज पे बातें करते, कॉल करते, अब दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, समझ रहे थे, काफी दिन हो चुके थे। अब समीर को लगा कि अब अनुपम से अपनी सिस्टर की बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों को चैट करते बातें करते काफी दिन हो चुकी थी, एक दूसरे को वो दोस्त की तरह ट्रीट करने लगे थे। अब जब अनुपम से मिलने के लिए, उसके घर जाने के लिए समीर ने सोचा कि काम से छुट्टी ले लूं, और जब उसने अपने मैनेजर से बात की बहुत बुरा भला उसे सुनना पड़ा और जॉब छूटने तक की नौबत आ खड़ी हुई, जिस वजह से दुखी होकर समीर अब लोगों को पेट्रोल फील करा रहा था और अपने काम पर ध्यान दे रहा था लेकिन मुंह लटका हुआ था। तभी अनुपम दूर से देखकर समझ गया था कि इसके साथ कुछ तो हुआ है, और उसने समीर के साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा, बात करने का सोचा। अनुपम ने कॉल किया और समीर ने बताया कि आज उसे फटकार पड़ी है, उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है अनुपम से। अनुपम ने कहा कि शाम को 1 घंटे मिलकर हम बात कर सकते हैं, ऐसे परेशान न रहो, तुम्हारी बातों से तुम्हारी परेशानी झलक रही है। इतना सुन करके थोड़ा अच्छा महसूस कर पाया समीर की कोई है जो उसके चेहरे से, बातों से, जैसे भी है, उसकी जो परेशानी है वो समझ पाया। समीर ने कहा कि हाँ, ये बात मेरे दिल में एक बोझ की तरह है जो मुझे आपको बतानी है। तभी शाम के 6 बजे थे और अनुपम जॉब से लौटते वक्त समीर को पेट्रोल पंप से उठा करके एक रेस्टोरेंट ले जाता है। अनुपम बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिर वो पल आ गया है, और जब समीर बात घुमाने लगता है, जब अनुपम ट्राई करता है कि वो दिल की बात बाहर निकाले, रेस्टोरेंट में काफी वक्त हो चुका था पर बात बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि अब समीर हिम्मत जो नहीं कर पा रहा था कि शुरुआत कैसे करे आखिर रिश्ते की बात। अनुपम ने एक फ्लावर निकाला और समीर को दिया और कहा कि तुम बोल नहीं पाओगे, मुझे पता है कब से बातें यहां वहां घुमा रहे हो, पर मैं सब जानता हूं, मुझसे बातें छुपाने की या घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे लिए हाँ है। समीर खुशी से झूम उठा, उसने कहा कि आपने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया, मैं कितना परेशान हुआ जा रहा था, अब मेरी बहन आपकी हुई और मैं बहुत घबराया हुआ था कि आखिर शुरुआत कैसे करूंगा, पर शुक्रिया मेरे दिल का बोझ हल्का करने के लिए, आपका भाई अनूप भी मेरी सिस्टर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उन दोनों की खुशी के लिए ही मैं कब से सोच रहा था, वो मौका खोज रहा था कि आपसे बात कर सकूं। अनुपम ये सब सुनकर एकदम से शांत हो जाता, वो शॉक्ड भी था क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। अब जो आगे हुआ हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे दोस्तों। स्टोरी काफी अनोखी और ट्विस्ट से भरी हुई है। स्टोरी आपके कमेंट्स के बिना और आपके जो फीडबैक है उसके बिना कुछ भी नहीं है, अधूरी मानी जाएगी, इसलिए बिल्कुल नीचे कमेंट करें, बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और लाइक और शेयर भी जरूर करें जो कि बहुत जरूरी है। हम आगे ऐसी ही खूबसूरत कहानियां लेकर आते रहेंगे, और हाँ, संडे के लाइव में मुझसे जुड़े, रात को 9 बजे हम ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी फिलहाल अपना ख्याल रखिए।